देमू गालानी जी की शहीदी दिवस हम मनाने यहाँ पर आए हैं। शहीदों का शहीदी दिवस बड़े धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वे कभी मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं और हमें एक अच्छा संदेश लेके जाते हैं। इसी प्रकार से भारत माता के चित्र के सबूत अमर शहीद देमू गालानी जी के शहीदी दिवस पर हम सभी एकत्र हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राष्ट्रीय पर्व होते हैं ये, शहीदी दिवस हो, शहीदों की जयंती हो, गणतंत्र दिवस है और हमारे स्वतंत्रता दिवस है। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि ये मैसेज जैसे ही आप तक पहुंचता है आप कम से कम 10 लोगों को 20 लोगों को बताइए कि इस कार्यक्रम में हमें पहुंचना है। और ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं, हम सभी का कार्यक्रम है, राज्य का कार्यक्रम है, खाली सिंधी समाज का नहीं, पूरे राज्य का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और निवेदन करूँगा हमारे भाई मुकेश खटवानी जी, जो कि युवा सिंधी समाज की रीढ़ हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आज की अध्यक्षता एवं संचालन के लिए मैं आदरणीय मुकेश जी से आमंत्रित करूँगा, कृपया आए और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाएं। भैया एक समाचार पढ़ा बैठा नहीं, आपने अध्यक्षता संचालन एक ही आदमी को काम दिया, ये अलग 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 अलग, या तो ये संचालन अलग अध्यक्ष है या संचालन करता है इसका अध्यक्ष आप संचालन आप। धन्यवाद विजय जी। आज का पूरे कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा अपने समस्त सामान्य लोगों से कि सबसे पहले हम लोग पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर लें, तो आइए कृपया। और उसके बाद जब मंच के लिए कोई जगह है नहीं जिसको कहाँ खड़ा करें तो कुछ इधर करेंगे तो सामने से ही हम लोग उन्हीं को आमंत्रित करेंगे जो लोग बोलना चाहेंगे। मैं एक बार समझ लेता हूँ, आप पहले कार्यक्रम अध्यक्ष को भी आपकी बात भी मानेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विशेष और हमारे परम आदरणीय राजगोपाल चट्टा जी हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे विशेष अतिथि के रूप में पवन निरानी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और बाकी हमारे सभी साथी लोग यहाँ आए हुए हैं, सब युवा व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या बहुत सदस्य हैं, उनका भी सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग इस कार्यक्रम को माल्यार्पण और पुष्पांजलि से पहले शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत